नमस्कार, मैं श्रीति और आप देख रहे हैं NBC 24। 18वीं लोकसभा सत्र का पहला सत्र आज है, यानी सोमवार के दिन आज पहला सत्र होने जा रहा है, 11 बजे से शुरू होगा। ऐसे में आपको बताते चले कि यह सत्र जो है 3 जुलाई तक चलेगा। यह शपथ प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भूत्र हरि महताब और उनके सहयोगी पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिलाई जाएगी। वही 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि परीक्षाओं में गड़बड़ी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दलों की नाखुशी के बीच 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार यानी आज होने जा रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा। आपको बताते चले कि यह शपथ प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य पुत्र हरि महताब और उनके सहयोगी जो तमाम जो हैं वो दिलाएंगे। ऐसे में विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर पद पर सत्ता के सदस्य की नियुक्ति को लेकर विरोध किया और कहा है कि सदन में और भी वरिष्ठ सदस्य थे जिन्हें नियमों के तहत यह जिम्मेदारी दी जानी थी। करीब 10 दिन चलने वाले लोकसभा के इस पहले सत्र में 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। वही 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोनों सदनों में 28 जून से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 जुलाई को चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र की शुरुआत सोमवार से 18वीं लोकसभा के सदस्यों के शपथ से होगी। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के सदस्य की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद चेयर के सहयोगी सांसदों की शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद मंत्रियों और बाकी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के पहले दिन करीब 280 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि बाकी सदस्यों को दूसरे दिन शपथ दिलाई जाएगी। शपथ नाम के आधार पर राज्य अनुसार दिलाई जाती है, यानी अ से शुरू होने वाले राज्य के सांसदों को पहले शपथ दिलाई जाती है। 18वीं लोकसभा में सदन का नजारा भी इस बार बदला हुआ होगा। अब तक सदन में कुछ बेंचों तक सिमटा रहने वाला विपक्ष इस बार लोकसभा में काफी मजबूत स्थिति में दिखेगा, जहां इस बार इसकी कुल संख्या 234 होगी। इनमें से 99 सदस्य अकेले कांग्रेस के हैं। वही सदन में सत्ता पक्ष की संख्या 293 की होगी, इनमें अकेले भाजपा के 240 सदस्य होगी। सोमवार से शुरू हो रहे लोकसभा सत्र में विपक्ष, यानी आज से शुरू हो रहे लोकसभा सत्र में विपक्ष इस बार अपनी बढ़ी हुई शक्ति का एहसास कराने से नहीं चुकेगा। यही वजह है कि विपक्ष ने सत्र से पहले परीक्षा में गड़बड़ी, अग्निवीर और प्रोटेम स्पीकर जैसे मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख दिखा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी वो पहले ही सत्ता पक्ष के सहयोगियों को लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग के लिए उकसाने में लगा हुआ है। तो आज यानी सोमवार के दिन 18वीं लोकसभा सत्र का शुरू होने जा रहा है। आज सुबह यानी कि 11 बजे से ये सत्र जो है वो शुरू होगा और लगातार कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो नीट पेपर लीक मामले को लेकर कई जो मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है विपक्ष काफी मजबूती से संसद में पेश आएगा और तमाम जो उनके सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ऐसे ही ना कहीं जिस तरीके से जो विपक्ष है वो इस बार ताकतवर अपना रुख अपनाएगा संसद में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।